प्लीज सर का चैनल फॉलो कर। गाइस मैं जस्ट आगे सामने खड़ा हूँ टुंगना टेंपल के, आकर सारा माहौल ही चेंज हो गया है पूरा चार धाम। तो गाइस हमारी पैकिंग हो चुकी है पूरी, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं देवरिया ताल से। और ये है पूरा देवरिया ताल जहाँ पर कल हमने ट्रैक भी किया था, छोटा सा ट्रैक जो था। और गाड़ी में सामान वामान सारा पैक हो चुका है और अब हम यहाँ से निकलेंगे चोपटा के लिए जो कि है 15 किलोमीटर। और जैसे ही चोपटा जाएंगे 15 किलोमीटर, वहाँ पर कैंप लेकर कोई अच्छा सा, तो हम जाएंगे ट्रैकिंग के लिए टुंगनाथ और चंद्रशिला और उसके बाद वापस दिल्ली। तो देखते हैं आगे कौन सा कैंप मिलता है, क्या प्रॉपर्टी मिलती है, जो भी मिलेगा आपको दिखाता हूँ। तो मिलते हैं आपसे आगे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस ये है रास्ता बीच का, जब हम वहाँ से देवरिया ताल से निकले हैं और चोपटा के लिए जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि सामने ही वाटरफॉल है और काफी नेचर काफी अच्छा है यहाँ पर, काफी ग्रीनरी है। तो इट्स कॉल्ड ट्रू नेचर, अगर आप ट्रू नेचर की तलाश में कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं ऋषिकेश, तो इट्स बेटर आप यहाँ पर आ सकते हैं ऋषिकेश से। हाँ आई नो कि ये 200 किलोमीटर ऊपर है लेकिन व्यू काफी अच्छा है और हर जगह ग्रीनरी है और हर जगह आप देखिए कहीं कहीं रास्तों में हर जगह यहाँ पर वाटरफॉल भी मिल जाते हैं आपको। ये वाले ऐसे वाटरफॉल हैं, कहीं यहाँ पर बैठ सकते हैं, अपना रिलैक्स कर सकते हैं। और ये सारा अगर आप व्यू देखेंगे तो पूरा रास्ता जो है ऐसे ग्रीनरी का ही है, देखिए सारा ऐसे ग्रीनरी है और काफी रास्ता भी काफी अच्छा है, रोड भी ठीक है, ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं है, क्राउड भी ज्यादा नहीं है और लोग भी बहुत कम आते हैं यहाँ पर क्योंकि रोज जगह है। ऐसा नहीं है कि हर कोई आ रहा है जा रहा है और काफी क्राउडेड हो जाए वीकेंड पे। एक्चुअली आज सैटरडे का दिन है तो आज भी क्राउड ज्यादा नहीं है, बहुत कम क्राउड है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है जगह, तो आई रिकमेंड कि आप आ सकते हैं यहाँ पर, 2 दिन का रिलैक्स कर सकते हैं। तो आप एक बार बस व्यू देख लीजिए सारी तरफ का। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी ही वीडियो ऐसे ही लोकेशंस जो रॉ लोकेशंस है वो मैं आपके लाता रहूंगा। आपका भाई हमेशा रेडी रहेगा ऐसी चीजों के लिए। तो आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। तो गाइस ये हमारी गाड़ी खड़ी है नेक्सॉन और हम है रास्ते में चोपटा के लिए देवरिया ताल से। और ये रास्ते में कुछ वाटरफॉल्स है, ग्रीनरी है, काफी अच्छा रास्ता भी काफी अच्छा है। तो आप देख सकते हैं व्यू। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं चोपटा और यहाँ पर ट्रैफिक एक्चुअली बहुत ज्यादा होने वाला है। ये पूरी रोड है, आगे अभी आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर चोपटा होगा लेकिन गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो लाइन है ये गाड़ियों की लाइन है और ये यहाँ से ऑलमोस्ट आधा या एक आधा किलोमीटर तो होगा ही होगा, ये आधा किलोमीटर तक लाइन ही लाइन लगी पड़ी है क्योंकि पार्किंग क्योंकि वैसी कोई जगह नहीं है, रोड के साइड में ही लगानी है। तो हमने भी सबसे आगे यहाँ लगा दी है ताकि जाते टाइम ट्रैफिक थोड़ा कम मिले क्योंकि वहां पर बोटल नेक बन जाएगा और गाड़ियां सारी निकलने टाइम जाम लगेगा। तो गाइस हम चोपटा बस पहुंच ही गए हैं और यहाँ पर वेदर तो काफी अच्छा है और वेदर काफी अच्छा है और धुंध हो रखी है और हवा में नमी है। बाकी अब यहाँ एक्चुअली गाड़ियां बहुत ज्यादा आ चुकी हैं, ट्रैफिक बहुत लग गया है और लाइनों से गाड़ियां लोगों ने लगा ली हैं। तो इट्स बेटर कि आप जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हो रही है वहां से काफी पहले ही गाड़ी लगा लें और सामान जहां भी जगह मिले सेफ जगह पर वहां लगा लें ताकि जब हम जा रहे होंगे यहाँ से तो वो बोटल नेक वहां बन जाएगा और वहां पर सारी गाड़ियां इकट्ठी हो जाएंगी और जाम लग जाएगा। तो अभी हमने बहुत पहले लगाई है तो बस ट्रैकिंग करके आएंगे और गाड़ी यहाँ से निकालेंगे और आई थिंक शायद हम यहाँ ट्रैक कैंप में रुके भी ना, हम शायद आगे वापस वहां चले जाएं। बट सी देखते हैं क्या होता है। शाम अच्छा है मिस्टर रोहित, आपको ऐसा क्या क्या व्यू आपके बताओ? वेदर तो ठीक ठाक है अभी और हो सकता है कि यहाँ पे हम रुके लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा आज के वेदर पे। कल रात को बहुत बारिश हुई है, बहुत बिजली कड़की है, अनप्रेडिक्टेबल वेदर है सब कुछ। देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके थैंक्स गौरव, थैंक्स फॉर यू, थैंक्स थैंक्स मेट। सो नाउ वी आर गोइंग टू चोपटा एंड जस्ट स्टार्ट द ट्रैकिंग फॉर टुंगनाथ एंड चंद्रशिला। सो लेट्स सी एंड जुड़े रहिए साथ में, आगे दिखाते हैं आपको क्या क्या रहेगा। ओके टिल देन बाय बाय। तो ये गाइस आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ सामने ही शायद हिमालय दिख रहा है और ऊपर बादल ही बादल हैं, सब कुछ अच्छा, व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पर। लेकिन बस एक ही ड्रॉबैक है कि गाड़ियां बहुत ज्यादा हो चुकी हैं क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, आज सैटरडे है।
पीछे देख सकते हैं कि काफी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे और वेदर भी बहुत अच्छा हो गया है। बस थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है कि बारिश कभी भी हो सकती है, बस देखने वाली बात है कि कब ज्यादा होगी और कैसे कम होगी। लेकिन अगर आप सामने देख सकते हैं तो ये सामने सारा हिमालय दिख रहा है और ऊपर अभी बादल हैं तो ज्यादा नहीं व्यू आ रहा है, लेकिन है ये हिमालय ही। जैसे ही जैसे बादल छटते रहेंगे इसमें और भी चीजें दिखती रहेंगी। अभी तो हम नीचे ही खड़े हैं क्योंकि अभी हम टोंगनाथ टेम्पल गए ही नहीं है, हम वहां पर हैं जहां से अभी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी, तो आगे तो और अल्टीमेट भी होने वाला है। तो आप देखते रहिए वीडियो को और वीडियो कंप्लीट देखिएगा, पूरी देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी, सब चीज रहेगा इसमें। और मिलते हैं आपसे आगे टोंगनाथ टेम्पल में जब हम ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं टोंगनाथ टेम्पल की चढ़ाई जहाँ से स्टार्ट होनी है हमारी। ये मेन गेट है जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होगी और आप देख सकते हैं जैसे कि पूरा यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग लगी हुई है और ये पार्किंग जाती है आगे तक, आगे पूरी लाइन है पार्किंग की सड़कों के साथ साथ। और ये मेन गेट है जहाँ पर टोंगनाथ की हमारी चढ़ाई स्टार्ट होनी है। तो ये गाइस टोंगनाथ की चढ़ाई जहाँ से स्टार्ट करनी है हमने, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी चढ़ाई को। और ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर का ट्रैक है ये और दैट विल टेक अराउंड 2.5 आवर्स। तो आगे देखते हैं कि क्या रहता है, आपको दिखाते हैं। टिल देन जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे। तो ये है गाइस जहाँ से टोंगनाथ की चढ़ाई स्टार्ट होनी है हमारी, मेन गेट इसका। ये देखिए सर, एक मैसेज है कि बिना क्यूआर कोड की प्लास्टिक बोतल रैपर साथ ही मिलने पर 100 रुपये जुर्माना है। ये एक इनिशिएटिव लिया है उत्तराखंड सरकार ने। तो ये है गाइस जहां से टोंगनाथ की चढ़ाई हमारी स्टार्ट होनी है। तो गाइस रास्ते में आपको ऐसे काफी मंदिर मिलेंगे। पंडित जी राम राम। तो ये चढ़ाई है पूरी जहाँ से हम चढ़ेंगे और यहाँ से आपको खच्चर और घोड़ा भी मिल सकता है। ये सारे घोड़े और खच्चर वाले हैं, मैं आपको पूछ के बताता हूँ कि क्या प्राइस है इनका, क्या प्राइस रहेगा इनका, क्या प्राइस है भैया खच्चर वच्चर का है? 1300 रुपये अप एंड डाउन। 1300 अप एंड डाउन का 1300 रुपये प्राइस है और वो खच्चर घोड़ा आपको लेके भी जाएगा और वहां से वापस भी लाएगा। ये देखिए ये रास्ता है, ये ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के अराउंड है। तो जिन लोगों को चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो वो 1300 में ये खच्चर कर सकते हैं। ये वैसे गवर्नमेंट प्राइस है बट डिपेंड, ये अगर सीजन है तो वो कुछ प्राइस कम भी कर सकते हैं आपका। ये सारे यहाँ पर खच्चर वाले ही है। तो गर्ल्स वैसे चढ़ाई तो इतनी हार्ड नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं, बट थोड़ी ये जो चढ़ाई है ये थोड़ी खड़ी है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये जगह जगह पर इन्होंने विश्राम गृह भी बना रखे हैं और आज तो वैसे वीकेंड है बट लोग काफी मात्रा में आए हुए हैं श्रद्धालु। हाँ जी भाई, भाई कहाँ से आए हो आप लोग? हम फरीदाबाद से हैं। अच्छा, दो ही आए हो? 5 बंदे हो? तो केदारनाथ जा रहे हो? हुए बढ़िया रहा दर्शन? कब आए वहाँ से? अच्छा, अब तो बारिश बारिश है वहाँ पर, सुबह भी बारिश हो रही थी आज वहाँ पर। अच्छा अच्छा, केदारनाथ है ये तो बहुत छोटी चढ़ाई है। तो चलो मिलते हैं आगे फिर आपसे। चलो थैंक यू भाई। तो भाई, तो भाइयों ऐसे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है यहाँ पर क्योंकि जो लोग केदारनाथ जाते हैं वो आते आते यहाँ पर भी आ जाते हैं क्योंकि छोटा सा ही ट्रैक है और इसकी बहुत मान्यता भी है टोंगनाथ की। और टोंगनाथ से आगे आप चंद्रशिला भी जा सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि टोंगनाथ चंद्रशिला जाने वाली तीर्थ यात्री टेकर्स कृपया ध्यान रखे, यह क्षेत्र केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग का सेंचुरी क्षेत्र है। यहाँ कूड़ा फैलाना, गंदगी करना और म्यूजिक सिस्टम बजाना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दंडनीय अपराध है। नियम का उल्लंघन करने वाले पर 500 से 5000 का जुर्माना दिया जाएगा। तो इसलिए ये चीजों आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप जहां भी जाते हैं तो सफाई रखिए, रैपर्स ना फेंकिए, कूड़े कूड़ा कूड़ेदान में डालिए,
और ये चीजों का ध्यान रखिए ताकि लोग ना बोले, ये ना बोले कि बाहर से आके यहाँ पर गंदगी करते हैं। तो अब आपको दिखाएंगे आगे का ट्रैक कैसा रहेगा, लेकिन चढ़ाई काफी खड़ी है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं आपसे, टिल देन बाय बाय। तो गाइस ये टुंगनाथ की चढ़ाई पे आपको घना जंगल देखने को मिलता है पूरा, और रास्ते ठीक हैं, साफ हैं, बस वही है कि यहाँ पर खच्चर वच्चर चल रहे हैं तो उन्होंने गंद मचा रखा है, वो अपना यही उनका मल यहीं पड़ा हुआ है तो उससे और रास्ते खराब हो जाते हैं, बाकी रास्ते सही हैं। तो ये है गाइस यहाँ पर खच्चर सेवा और घोड़े जो लेकर जाते हैं लोग, जिनका मैंने अभी आपको फेयर तो दिखा ही दिया था। तो ये है चैनल में, ये देखिए, हेलो गाइस, बढ़िया। तो ये गाइस पूरी खड़ी चढ़ाई है टुंगनाथ जाने के लिए, है तो डिस्टेंस कम 4-4.5 किलोमीटर, बट चढ़ाई काफी खड़ी है तो इसीलिए आपकी थोड़ी सांस फूलने लग जाती है, तो बाकी कुछ नहीं। तो अभी गाइस हमने काफ़ी बस चढ़ाई से स्टार्ट ही करी है, थोड़ा बहुत ही चले हैं, तो ये पूरी खड़ी चढ़ाई है पीछे टुंगनाथ के लिए, तो अभी भी पहुंचने में हमारे को 1.5-2 घंटे लगेंगे, तो आगे आपको दिखाते हैं कि कैसा व्यू है। तो गाइस अगर टुंगनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में बताया जाए तो उत्तराखंड में भगवान शिव को समर्पित 5 केदार हैं जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है, उन्हीं में से तीसरा केदार है टुंगनाथ मंदिर। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण हजारों सालों पहले पांडवों ने करवाया था और ये। तो गाइस अब देखिए जैसे मौसम हो चुका है और बस धुंध धुंध फैल गई हर जगह भैया, और बहुत हम लोग गरीब हैं, फोगी हो गया है मौसम, ये देखिए। और यहाँ से लोग शॉर्टकट लेके आगे से निकल जाते हैं, जितना भी शॉर्टकट। तो ये है गाइस टुंगनाथ मंदिर का जो इतिहास है और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, जानकारी जो लिखी हुई है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो हम चलते हैं ट्रैक के में आगे की तरफ। तो गाइस अभी पूरी चढ़ाई जो है ऐसी खड़ी ही है और मौसम काफी अच्छा हो गया है और बारिश तो नहीं है लेकिन फॉग हो गई है मौसम में और अच्छा मौसम हो गया। ट्रैक यहाँ पर एक्चुअली ये है कि ट्रैक छोटा भी है और काफ़ी बस खड़ी चढ़ाई है तो आप इजीली कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू है नहीं, नहीं होता है तो घोड़े और खच्चर भी यहाँ पर मिल ही जाते हैं, जिसका मैंने आगे आपको डिटेल दे भी दी थी। तो अब देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है ट्रैक में, बाय बाय। ये हमारे को जाना है पूरा ऊपर चोटी पे जहाँ पर बाबा टुंगनाथ का हमको मिलेगा दर्शन, तो मिलते हैं आपसे। पूरी चढ़ाई है यहाँ पर और लोग शॉर्टकट ले लेकर आगे जाए जा रहे हैं, हमारे साथ की भी एक लड़की आगे जा चुकी है शॉर्टकट लेके, आप ये भी कर सकते हैं कि शॉर्टकट लीजिए और जाइए। ये देखिए गाइस मनमोहक व्यू टुंगनाथ के ट्रैक का, और जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे ऐसे ऐसे व्यू आते रहेंगे और भी ज़्यादा। ये देखिए गाइस एक मैसेज लिखा हुआ है जो सब लोग यहाँ इग्नोर कर रहे हैं कि शॉर्टकट लेकर भुयालों में प्रवेश करना दंडनीय अपराध है, तो इस बात का ध्यान रखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये नमूने लोग हैं जो शॉर्टकट ले रहे हैं। तो ये गाइस देखिए ये व्यू है टुंगनाथ मंदिर की, टुंगनाथ बाबा की चढ़ाई के जाता टाइम, सब कुछ स्नो बादल है एक्चुअली ये, और मौसम इतना अनस्टेबल है यहाँ पर कि कभी बादल आ जाते हैं, कभी छट जाते हैं, कभी धूप हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, कभी बारिश बंद हो जाती है, तो यही सब है। बाकी व्यू बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है, और हमारे को ये चढ़ के हमको जाना है पूरा चोटी पर।